गुड मॉर्निंग। ये आज का हमारा एक क्विक वीडियो है मदर्स के लिए। ज़्यादातर हमारे पास जो यंग बच्चों की मदर्स आती हैं, उनकी कंप्लेन ये होती है कि बच्चा खाना नहीं खाता है, और हम इनको क्या ऐसी चीज़ दे सकते हैं जो फटाफट बन जाए या रेडी टू ईट हो और होम मेड हो। और सेकेंड जो सबसे बड़ी कंप्लेन होती है वो ये होती है कि बच्चे का वेट गेन नहीं होता है। तो आज की हमारी वीडियो उन छोटे बच्चों के लिए है जिसके लिए आपको फटाफट होममेड कोई सेरेलेक टाइप ऑफ चीज़ चाहिए, या फिर किस तरीके से आप कितनी मात्रा में कितनी क्वांटिटी में उनको घर का खाना दें जिससे उनका वेट गेन हो। तो आई होप ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। देखिए, जब हम बच्चों के वेट गेन की बात करते हैं तो वो फूड आइटम जो कि एक्स्ट्रा कैलोरीज देते हैं बच्चों को और वो कैलोरीज उनको इजीली अवेलेबल होती हैं, वो बच्चों का वेट गेन कराती हैं। तो इनको हमने चार सेक्शन में बांटा है जिससे कि आपको एग्जैक्ट अमाउंट का पता चले कि आपको बच्चे को कितना देना है। तो 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 10 मंथ्स एंड 12 मंथ्स, ये चार हमने डिफरेंट उसमें कितनी सर्विंग देनी है इसमें हमने डिवाइड किया है। 6 मंथ्स के बेबी को अगर आप मैश्ड पोटैटो की बात करती हो तो 1 टेबलस्पून 2 to 3 times अ वीक दे सकते हैं। 8 मंथ्स के बेबी को 2 टेबलस्पून, 10 मंथ्स के बेबी को 3 to 4 टेबलस्पून और 12 मंथ्स के बेबी को 5 to 6 टेबलस्पून 2 to 3 times अ वीक दिया जा सकता है। इसी तरीके से एग योक भी, इसके अंदर प्रोटीन बहुत हाई होता है। 6 मंथ्स के बेबी को 1/2 टेबल स्पून 1 to 2 टेबलस्पून, 8 मंथ्स के बेबी को 4 टेबलस्पून, 10 मंथ्स के बेबी को और 12 मंथ्स के बेबी को आप होल एग दे सकते हो डेली। जहाँ पे हम कर्ड की बात करते हैं, कर्ड बच्चों की डाइजेस्टिव हेल्थ को सही रखता है, तो इसलिए सर्विंग यहाँ पे दी हुई है। आप डेली बच्चे को कर्ड ज़रूर दें, इसके अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं, बच्चे के खाने का डाइजेशन और उसका एब्जॉर्प्शन कर्ड देने की वजह से बेहतर होता है। बनाना तो हम सभी जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट का ऐसा प्रकार है जो कि बहुत इजीली एब्जॉर्ब होता है, तो सर्विंग यहाँ पे दी हुई है और 2 to 3 times अ वीक आपको बच्चे के खाने के साथ एक्स्ट्रा देना चाहिए। नेक्स्ट हम बनाते हैं होममेड रेडी टू ईट बच्चों के लिए खाना जो कि टोटली सेफ होगा और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो ये पफ्ड राइस सीरियल है जो कि टोटली सेफ है और इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है। आपने पफ्ड राइस यानी मुरमुरे लिए अराउंड 100 ग्राम, फिर आपने साथ में लिया चना जो कि रोस्टेड है, इसको आप 50 ग्राम ले सकते हो, और तीसरी चीज़ आप कोई भी नट्स, मैंने यहाँ पे बादाम लिया हुआ है अराउंड 7 से 10 बादाम अगर आप 100 ग्राम मुरमुरे ले रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें रोस्टेड होनी चाहिए और फिर आप इसको अपने मिक्सर में अच्छी तरह से पीस सकते हो। जब आप इसको पीसेंगे तो ऑलरेडी ये तीनों चीज़ें पकी हुई हैं और एक फाइन पाउडर बन जाएगा। ये आपका पूरी तरीके से होममेड है। आप इसमें वाटर, हल्का सा गर्म पानी आप इसमें ऐड करके, और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम थिन हो जाएगी, आप इसको अपने बच्चे को दे सकते हो। इसको और न्यूट्रिशियस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एप्पल का पेस्ट डाला हुआ है। इसी तरीके से आप दूसरे फ्रूट्स के पेस्ट जैसे कीवी का पेस्ट, बनाना का पेस्ट आप इसमें डाल सकते हो, और इससे ये और ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाएगा और इसका जो कैलोरी वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी तरीके की न्यूट्रिशनल और डाइट रिलेटेड गाइडेंस के लिए। थैंक यू।